हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वह टॉपिक डिफरेंशिएशन ऑन इम्प्लिसिट फंक्शन। एक ही टाइप के यहाँ पर देखिए आपको बोर्ड पर चार क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। मैं जो आज कराने जा रहा हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये 2009 और 11 में आया हुआ, 18 में आया हुआ है, ये 2017 में और 2014 में और 2014 में ये भी। और इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो पर, देखते रहिएगा। लास्ट में मैं इसकी एक ऐसी ट्रिक भी बताऊंगा जिसे आप एक ही लाइन में इसका आंसर ला सकते हैं, लेकिन उस ट्रिक को आप केवल कंपटीशन में ही यूज कीजिएगा। एकेडमिक अगर करना है तो उसको ऐसे ही करिएगा जैसे मैं स्टार्टिंग में आपको कराऊंगा। तो करते हैं आप स्टार्टिंग को। चलिए, इस लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी का बटन भी दबा दीजिए जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। इसकी सबसे पहले आपको पहचान आनी बहुत जरूरी है। पहचान ये है, द फंक्शन एफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इज सेट टू बी इम्प्लिसिट फंक्शन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अभी जो क्वेश्चन आपने देखे थे उन सब में खास बात ये थी कि सारे जो क्वेश्चन थे वो मिक्सअप थे, उसमें x और y को अलग नहीं कर सकते। अगर हम x y को अलग यानी कि y को सेपरेट नहीं कर पाए, हम उनको क्या करें, y को अगर सेपरेट नहीं कर पाए तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वो कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। अब यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश भी करें तो y को हम सेपरेट नहीं कर सकते। तो y को सेपरेट नहीं कर सकते तो ये जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी अस्पष्ट फलन। क्या हुआ? अस्पष्ट फलन। अब इस टाइप के डिफरेंशियल कैसे करते हैं? रूल्स वही हैं जो मैंने आपको पहले बता रखे हैं। नंबर एक, सम एंड डिफरेंस रूल। दूसरा, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल और चैन रूल। ये चार रूल्स हैं, उन्हीं से हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। अब हमें डी डी एक्स और वाई निकालना। अब जरा ध्यान से देखना, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, पहचान करना बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन क्या, सबसे पहले तो देखिए इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन है इसका मतलब एक्स वाई दोनों साइड में मिक्सअप है। और इम्प्लिसिट फंक्शन का हम करते हैं चैन रूल से। कैसे करते हैं? चैन रूल से। तो चैन रूल में क्या होता है, पहले घात का होगा और उसके बाद फिर अंदर का होगा। ठीक है, तो पहले लाइन लिखेंगे हम ऐसे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें क्या होगा, घात पहले आएगी, उसमें से एक कम होगी, अब उसके अंदर वाले करेंगे डिफरेंशिएशन। तो एक्स स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y और y का डी डी एक्स ऑफ y। तो चैन रूल से क्या, पहले घात पहले आई, उससे एक कम करी, अब उसके अंदर का x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर 2y, y का डी डी एक्स ऑफ y। अब इसका करेंगे देखिए फर्स्ट सेकंड से, क्वोशेंट रूल से। कैसे करना? क्वोशेंट रूल से। तो फर्स्ट ऐसी रहा सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड ऐसी रहेगा फर्स्ट का डिफरेंशियल। समझ आ गया? अब इसको देखिए हम पक्षांतर करके डी डी एक्स ऑफ y को क्लियर करेंगे। इसकी मैं अंदर एंट्री कर रहा हूं, क्या आएगा, दो दूनी चार यहां पर x। अब यहां पर जो है वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, यानी डी डी एक्स ऑफ y यहां से और यहां से एक साइड में कर लेते हैं। इधर हो जाएगा माइनस का टू, दो दूनी चार हो जाएगा, चार एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहां से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लें, क्या बचा, फोर वाई और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस की एक्स, और यहाँ वाई माइनस की फोर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए जरा समीकरण एक से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम यू भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ले लेंगे यहां पर तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स वाई। तो इसके स्थान पे मैं अंडर रूट एक्स वाई लिख सकता हूँ, थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो इसके स्थान में मैंने क्या लिखा, और वाई अंडर रूट एक्स वाई माइनस के एक्स। ऐसे यहां देखिए,
अंडर रूट एक्स वाई कहां से लिखा है, यहां से मैं यहां लिख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट ठीक से लिख देता हूं इसको फ्रॉम फर्स्ट। अब इसमें से देखिए डी डी एक्स ऑफ वाई यहां ऐसी रहा और ये 4y अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई, एक्स को मैं लिख सकता हूं अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स, ठीक है ऐसे यहां देखिए वाई क्या लिख सकते हैं अंडर रूट वाई इंटू अंडर रूट वाई और इसे अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट वाई। अब जरा ध्यान से देखना इसमें से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन जरा बताए, ये है अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा 4y अंडर रूट वाई माइनस अंडर रूट एक्स बाहर गया तो अंडर रूट एक्स बचा। ऐसे यहां देखिए अंडर रूट वाई कॉमन, क्या बचा अंडर रूट वाई माइनस के 4x अंडर रूट वाई कॉमन चला गया अंडर रूट एक्स। देखिए आंसर इज अबाउट टू कम, हमें निकालना डी डी एक्स ऑफ वाई, तो ये अपॉन में पहुंचा देंगे अंडर रूट वाई माइनस के 4x अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स 4y अंडर रूट वाई माइनस के अंडर रूट एक्स, दिस इज आंसर। 2017 में ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, देखिए अब यहाँ पे ये देखिए जरा ध्यान समझेंगे, साइन इफ साइन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के, तो सबसे पहले पहचान पहचान क्या, इम्प्लिसिट फंक्शन और स्पष्ट फलन, जब एक्स और वाई मिक्सअप हो उसमें वाई को सेपरेट ना किया जा सके यानी वाई इज इक्वल टू ना किया जा सके तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी एक्स वाई में फंक्शन है और यहाँ पे क्या इज सेड टू बी इम्प्लिसिट फंक्शन विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वाई इजिकल टू एफ एक्स, यानी इसको वाई इजिकल टू एफ एक्स यानी वाई इजिकल टू एक्स के रूप में अगर हम उसको कन्वर्ट ना कर पाए तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वो कहलाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आप देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन हम ये करेंगे, तो ये हमने पहले लिखा और हमने कहा इम्प्लिसिट फंक्शन का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है चैन रूल से, ठीक है तो चैन रूल क्या होता है, चैन रूल ये होता है जैसे कोई फंक्शन है एफ जी एक्स, तो हम जब इसका डिफरेंशियल करते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई पहले तो एफ का करते हैं एफ डैश जी एक्स और उसके बाद फिर जी का करते हैं, ठीक है तो पहले एफ का और फिर जी का अंदर तक का करते हैं, ठीक है लाता चैन रूल। आप देखो इसको कैसे कराएंगे, तो पहले मैंने लिखा इसको साइन स्क्वायर वाई और ये कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के, इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में वीडियो के अंत में, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, इन्हीं क्वेश्चन को हम बहुत छोटा भी कर सकते हैं लेकिन ये मेथड केवल कंपटीशन में यूज कर सकते हैं, एकेडमिक में यूज नहीं करना वरना नंबर नहीं मिलेगा। तो इसको कैसे करेंगे देखिए मैं यहाँ पर वही मेथड बता रहा हूँ जिससे आपको बोर्ड में पूरे मार्क्स मिलेंगे 100% मार्क्स मिलेंगे, कंपटीशन का जो तरीका होता है थोड़ा अलग होता है वो शॉर्ट हो जाते हैं, जब शॉर्ट होते हैं तो उसमें स्टेप कम हो जाते हैं तो बोर्ड में उसमें नंबर नहीं मिलते। तो यहाँ पर देखिए ये क्या ये करेंगे चैन सिस्टम से, पहले करेंगे स्क्वायर का फिर करेंगे वाई का साइन वाई का, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ साइन वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए इसको सेपरेट करना अलग है कर नहीं सकते तो इससे पता चल जाता है कि ये जो है इम्प्लिसिट फंक्शन है, ओ ये ऐसी रहा। अब वो लाइन लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पहले पावर का देखिए भाग पहले आई यानी पावर पहले आई और उसमें से एक कम कर दी, अब उसके बाद अंदर वाले करेंगे साइन का हो जाएगा कोस वाई, फिर वाई का करना वाई का डी डी एक्स ऑफ वाई, ये कहलाता चेन सिस्टम। देखिए पहले पावर का किया फिर साइन का किया फिर वाई का किया, क्योंकि वाई क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए उसका वन नहीं होता डी डी एक्स ऑफ वाई होता है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका लास्ट में वन हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये भी चैन सिस्टम से करना, पहले कोस का फिर एक्स का और फिर वाई का, तो कोस का होता है माइनस का साइन एक्स वाई, अब जो एक्स वाई का इसका करेंगे क्वोशेंट रूल से, कैसे करना क्वोशेंट रूल से, तो क्वोशेंट रूल क्या होता है देखिए फर्स्ट ऐसे रहेगा सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड ऐसी रहा और फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है
अब इसको हम बराबर में कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमने बता रखा पहले कितना होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, टू साइन वाई की पावर वन इंटू कोस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई, इसको मैं अंदर एंट्री कर देता हूँ, ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स वाई, और अंदर एंट्री करेंगे ये हो जाएगा वाई, माइनस है तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, वाई साइन एक्स वाई, और एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है वन, समझ आ गई होगी लाइन। अब हमें जो निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना, तो डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ रह गया, यहाँ लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से और इसको पास पास रख लेते हैं, पास पास क्या है पास पास, तो इसमें से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन क्या है डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लिया, यहाँ बचा टू साइन वाई कोस वाई, टू साइन वाई कोस वाई, यहाँ क्या बचा माइनस का एक्स साइन एक्स वाई, और इसको बराबर से इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई। आप देखिए यहाँ पे ये चीज पूरी अपॉन में चली जाएगी, डी डी एक्स ऑफ वाई कितना हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई अपॉन टू साइन वाई कोस वाई माइनस के एक्स साइन एक्स वाई, ये हो गया इसका डेरिवेटिव। अब यहाँ पर देखिए कुछ दिया है, एक्स इक्वल टू वन दे रखा, वाई इज इक्वल टू पाई बाई फोर दे रखा, तो हम यहाँ कंडीशन लगा देंगे व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन y इज इक्वल टू पाई बाई फोर, तो आप जरा ध्यान देंगे तो y के स्थान कितना रखना पाई बाई फोर, और साइन x के स्थान पे वन और y के स्थान पे पाई बाई फोर, यहां भी रख देते हैं पाई बाई फोर कॉस पाई बाई फोर माइनस के x के स्थान पर वन और साइन वन इंटू पाई बाई फोर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, साइन पाई बाई फोर इन पैंतालीस, पैंतालीस की वैल्यू होती है वन अपॉन रूट टू, ऐसे यहाँ भी सॉल्व करेंगे साइन पैंतालीस की वैल्यू वन अपॉन रूट टू, वन अपॉन रूट टू, यहाँ भी वन अपॉन रूट टू। अब देखिए वन अपॉन रूट टू कॉमन ले लेते हैं, वन अपॉन रूट टू कॉमन ले लिया, कितना बचा यहाँ पे टू अपॉन रूट टू माइनस वन, और ये वन अपॉन रूट टू से वन अपॉन रूट टू कैंसिल हो गया, तो हम इसको ले सकते हैं पाई अपॉन फोर, टू से ये रूट टू बार कट जाएगा, ये हो जाएगा रूट टू माइनस वन, और ये हो गया हमारा आंसर। अब चाहो तो यहाँ पर हम इसका कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इसको और आगे थोड़ा सा सोल्व भी कर सकते हैं, तो इतना भी छोड़ दो दैट्स इनफ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, 2014 में आया हुआ है, कैसे करते हैं इसको जरा समझेंगे। मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर वाई इंटू ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, ठीक है। अब ई की पावर एक्स और ई की पावर वाई को इसको इधर ले आइए बटे, तो ये दोनों के अकाउंट में आएगा ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, और ई की पावर वाई ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर वाई, इधर बचेगा वन। अब देखिए ई की पावर एक्स से ये कैंसिल हो गया, ई की पावर वाई से ये कैंसिल हो गया, इसको ऊपर ले जाएंगे ई की पावर माइनस वाई, और ये भी ऊपर ले जाएंगे और माइनस एक्स, अब ये अब इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ई की पावर माइनस वाई का ई की पावर माइनस वाई। अब देखिए ई की पावर माइनस वाई का और करना, तो माइनस वाई कितना होगा माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई, ऐसे यहाँ देखिए ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स, अब माइनस एक्स का और करेंगे तो माइनस एक्स का हो जाएगा वन और कॉन्स्टेंट का जीरो, तो ये चेन सिस्टम से करते हैं ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, उसके बाद माइनस एक्स का, तो माइनस एक्स का हो जाएगा वन, ठीक है, वन ऐसे रहा माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा। अब हमें ये निकालना है, इसको उठा के इधर ले जाते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई इधर आ जाएगा, ये है माइनस का ए की पावर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, और माइनस ये इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो गया, ये अपॉन में पहुंच जाएगा
की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस ई की पावर माइनस वाई, इसे ऊपर ले जाते हैं, हमें ये आंसर लाना है। तो ऊपर जाकर हो जाएगा ए प्लस, घातों पर जाकर प्लस, और मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस वाई। तो प्लस वाले को थोड़ा पहले लिख लो तो अच्छा लगेगा, माइनस इधर आके हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस इधर आके प्लस हो गया, और ई की पावर वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो, दिस इज आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, इसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसे करने के लिए पहले जो क्वेश्चन है मैंने इसको लिखा x की पावर m, y की पावर m और x प्लस y की पावर m प्लस n। देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो इसको प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा इसमें लॉग लेकर कर सकते हैं। लॉग लेकर क्या क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर लॉग लेकर करना पसंद करूँगा। आप इसको सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं फर्स्ट सेकेंड से, और ये वैसे सिंपल तरीके से। तो यहाँ मैं लॉग ले लेता हूँ, यहाँ एक लाइन लिखेंगे taking log on both side। तो जब log लेंगे क्या आएगा, log x की पावर m y की पावर n बराबर log x plus y की पावर m plus n। log का फॉर्मूला होता है कि इंटू को प्लस में चेंज कर देता है, क्या होता है फॉर्मूला, देखिए ये होता है log m गुणा log n बराबर होता है log m plus n। तो यहाँ पर देखिए ये दे रखा, ये नहीं ये वाला, log m गुणा n बराबर होता है log m प्लस log n, ये फॉर्मूला होता है। तो जो गुणा होती है मल्टीप्लाई होती है उसको प्लस में चेंज कर देता है, किसमें चेंज कर देता है प्लस में। तो देखिए मैंने लगाया है कि log x की पावर m प्लस log y की पावर m, यहाँ एक फॉर्मूला ये भी होता है log a की पावर n, तो क्या होता है n पहले जाती है, और ये फॉर्मूला भी होता है। तो इस वाले से ये पहले आ जाएगा m प्लस एम log x प्लस वाई, ठीक। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ भी लगा रहा हूँ, देखिए पावर पहले जाएगी, ये क्या होती है यहाँ जाती है m log x प्लस n log y इक्वल टू कितना हो गया m प्लस n log x प्लस वाई। अब हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो m कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट वेरिएबल साथ होते हैं तो केवल वेरिएबल तो करते हैं, तो m log x का हो गया वन अपॉन x, इस तरह n कांस्टेंट है कांस्टेंट तो छूट जाएगा, log y का वन अपॉन y और y का डी डी एक्स ऑफ y, log y का वन अपॉन y और y का डी डी एक्स ऑफ y। अब देखिए कांस्टेंट है ये ऐसी रहेगा, तो पहले log का करेंगे, log का होगा वन अपॉन x प्लस वाई, और उसके बाद x का वन और y का डी डी एक्स ऑफ y, क्योंकि y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, उसका वन नहीं होता, डी डी एक्स ऑफ y होता है, और x का डिफरेंशियल होता है वन। अब हम देखिए पक्षांतर करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे, तो यहाँ से m अपॉन x और प्लस के n अपॉन y डी डी एक्स ऑफ y। अब यहाँ से देखिए अंदर एंट्री कर रहा हूँ मैं, m प्लस n अपॉन x प्लस y प्लस एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई इन टू डी डी एक्स ऑफ वाई। अब यहाँ से देखिए एक साइड में ले जा रहे हैं हम, कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन लेंगे क्या बचेगा, जरा जब मैं सबको इधर लेकर आ रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ आएगा एन अपॉन वाई, और इधर आके ये माइनस हो जाएगा प्लस वाई, और इधर ये इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में एम प्लस एन अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये इधर जाकर हो जाएगा माइनस का, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या है इसका, वाई एक्स प्लस वाई कैची गुणा ऐसे, इसकी इधर और इसकी इधर क्या आएगा जरा बताएंगे, एन एक्स प्लस वाई माइनस के एम प्लस एन इन टू वाई, ऐसे यहाँ भी ये लेंगे एलसीएम, मैं ब्लैक कर लेता हूँ। तो एलसीएम क्या है इसका, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स ऐसे,
तो यहाँ पर आएगा x इंटू एम प्लस एन और m इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए अंदर एंट्री करेंगे एन एक्स प्लस के एन वाई माइनस के एम वाई माइनस के एन वाई, यहाँ माइनस से अंदर का साइन चेंज हो गया, वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ देखिए एक्स एम प्लस के एक्स एन माइनस के एम एक्स माइनस के एम वाई अपॉन एक्स और ये एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई से ये कैंसिल हो गया, एम वाई से नहीं ये नहीं, ये एन वाई से एन वाई कैंसिल हो गया और इधर एम एक्स से एम एक्स कैंसिल हो गया। क्या बचा देगी यहाँ बचा ये वाला सही है, तो यहाँ बचा एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन वाई, यहाँ क्या बचा एक्स एन या एन एक्स बात एक ही होती है माइनस के एम वाई अपॉन एक्स। अब देखिए ऊपर बिल्कुल सेम टू सेम है तो इस ब्रैकेट से ये ब्रैकेट कैंसिल हो गया, तो ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इन टू वन अपॉन वाई और वन अपॉन एक्स, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ डी वाई अपॉन डी एक्स वाई पर पहुँच जाएगा वाई अपॉन एक्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद मैं कराता हूँ शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक्स, ये जो शॉर्ट ट्रिक्स है आप इसको केवल कंपटीशन में यूज करना या ऐसे एक जगह करना जहाँ पर बहुत बड़ा क्वेश्चन है उसको छोटा करने के लिए इसको ट्रिक को यूज करना, ठीक है। तो ये एक ही लाइन में इससे आंसर आ जाता है। तो कैसे करते हैं इसके लिए एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है वो ये है डी डी एक्स ऑफ वाई, जरा ये ध्यान रखेंगे केवल क्या शॉर्ट ट्रिक फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन, यानी इम्प्लिसिट फंक्शन है उसी के लिए है ये, आप इसको थंब रूल नहीं मान लेना केवल इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए। फॉर्मूला ये है माइनस चिन्ह लगाते हैं यहाँ पर और यहाँ लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स और वाई जो होता है यहाँ पे कॉन्स्टेंट लेंगे और नीचे लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू वाई और एक्स कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे क्या है ऊपर करना हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल वाई को कॉन्स्टेंट मानना है और नीचे करना है वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल और एक्स को कॉन्स्टेंट मानना। अब देखिए कैसे करेंगे, तो देखिए आंसर ये आ गया एक ही लाइन में, पहले हमने पूरे बोर्ड पे किया था अब ये एक ही लाइन में जाएगा, माइनस चिन्ह लगाया डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल हम जानते हैं जीरो और यहाँ पर देखिए कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन और एक्स वाई का चूंकि क्या वाई कॉन्स्टेंट है एक्स का करना तो एक्स का वन हो गया वाई ऐसे जाएगा अपोन में आ जाइए डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो बाय करेंगे पहले घात करना पड़ेगा तो घात पहले आई उसमें से एक कम हो गई, अब साइन बाय का और करेंगे साइन बाय का कितना हो गया कोस वाई, अब यहां पे करेंगे कोस का क्या होता माइनस का ठीक और किसके रिस्पेक्ट में बाय के रिस्पेक्ट में, तो एक्स कांस्टेंट है तो एक्स कांस्टेंट है तो एक्स ऐसे रहेगा वाई का हो जाएगा वन, मिला लीजिए देखिए आंसर कहाँ गया आंसर देखिए फाइव साइन एक्स वाई आ गया माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और देखिए टू साइन बाई कोस वाई और माइनस का एक्स को इधर लिख लीजिए साइन एक्स पर ओनली, केवल फाइव सेकंड में हम इसका आंसर निकाल सकते हैं अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है। तो मैं समझता हूँ आपको मेरा जो पढ़ा हुआ मेथड है वो समझ में आ रहा होगा, आप मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक करिएगा और लोगों को भी सब्सक्राइब करिएगा, हमें मेरे लिए आपके सब्सक्राइब और लाइक जो होते हैं मोटिवेशन का काम करते हैं, आप सब्सक्राइब करते रहिएगा मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।